आज हम यहां एक नई हिस्ट्री बनते हुए देख रहे हैं और एक नई केमिस्ट्री भी। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने इतना ही कहा है, एवरीथिंग इज फाइन। पर 100 दिनों में जो देश ने मंदी देखी, मतलब आज एक ऐसा सेक्टर बता दो, जिसकी सेल्स में 30-40% कमी नहीं आई हो 2 महीने। पिछले दो महीने में जमशेदपुर शहर में 700 कंपनियां बंद हुई है, 700। पिछले दो महीने में जमशेदपुर शहर से 13,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। ये 2 महीनों का आंकड़ा दे रहा हूं मैं आपको। ये देश के साथ जो मजाक हो रहा है, और जब हम बोलते हैं एक सेक्टर बताओ, ऑटोमोबाइल से स्टार्ट करते हैं, गारमेंट से स्टार्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, FMCG गुड्स की। सुमित जी, HUL ने पहली बार अपनी साबुन तेल कंगो की बिक्री में 35% गिरावट दिखाई है। लोगों के पास साबुन तेल कंगा खरीदने का पैसा नहीं है और लोग 100 दिन का जश्न मना रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये जश्न नहीं है, ये आपको अपना सिर झुके और भारत की जनता को बोलना चाहिए कि हमारी कुनीतियां, नोटबंदी और गलत तरीके से GST के कारण हमने आज आपको यहाँ धकेल दिया। अरे भैया, ये जो युवा लोग हैं, ये बेरोजगार क्यों हैं, इसका जवाब देते नहीं हो। हमारी अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है, इसका जवाब देते नहीं हो। 100 दिन में आपने भयंकर मंदी क्यों लाए, उसका जवाब देते नहीं हो। उस मंदी से उबारने का क्या उपाय है, उसका जवाब देते नहीं हो। NHAI आज प्रधानमंत्री कार्यालय NHAI को लिखता है कि रोड के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाए, उसका जवाब देते नहीं हो। साथियों, अब भारत ने 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए न्यू इंडिया का सफर, और प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ, इन संभावनाओं को नए पंख लगा देंगे। 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 0 नहीं पता 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं, बता दे। तो मेरा चैलेंज है इनको आज, 5 ट्रिलियन में कितने। चलिए आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। 12, 10^12 12 होते हैं, 10^12। रुपया विश्व की सबसे कमजोर करेंसी रही अगस्त महीने में, ये मैं नहीं कह रहा। और एक व्यक्ति का मैं एक स्टेटमेंट आप सबको याद दिलाता हूँ, 2014 में एक व्यक्ति कहते थे कि रुपया का गिरना भ्रष्टाचार की निशानी है, सरकार के कमजोरी की निशानी है। वो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज वो क्या मानते हैं कि वो भ्रष्टाचार है। साथियों, हम करप्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं, उसे हर स्तर पर फेयरवेल देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। कभी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कार्रवाई करी प्रभु, कभी रमन सिंह के घोटाले खोले प्रभु, कभी आपने रेड्डी ब्रदर्स के घोटाले खोले। आपकी सरकारें हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकारें हैं, कमलनाथ और बघेल साहब हैं, खुलवाइए ना। येदुरप्पा खुलेआम वीडियो है भाई, आप यूट्यूब में डाल के देखना, खुलेआम बोलते हैं इतने करोड़ ले लो, इतने MLA ले आओ। जो कर्नाटक असेंबली में बैठ के पोर्न पिक्चरें देखता था, उसको उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा प्रभु, ये बताइए। ये सब आखिर क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, जी नहीं, मोदी की वजह से नहीं हुआ, ये हिंदुस्तान वासियों के कारण हुआ है। आप खुद को देखिए,
फिर अपने दोस्तों को देखिए, फिर अपने परिवार को देखिए, समाज पर नजर डालिए और इसके बाद खुद से पूछिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। नाउ व्हाट शुड केजरीवाल डू? बी वेरी नाइस, कीप स्माइलिंग एंड से मोदी मोदी मोदी। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।